गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हमारे लेसन का आगे का हिस्सा सीखेंगे। लास्ट पीरियड में हमने देखा कि किस तरीके से राइटर यहाँ पर हमें उनके एक्सपीरियंस बताते हैं, जब वो हिमालय के फुटहिल्स में एक स्मॉल ऐसे बच्चे से मिले और उस बच्चे ने उन्हें क्वेश्चन किया कि क्या हमारा वर्ल्ड इतना पुअर है कि वो मेरे जैसे एक बच्चे को टॉय और बुक भी नहीं दे सकता, और उसके बदले में मुझे यहाँ पर फोर्स किया जाता है गन उठाने के लिए या यहाँ पर चाइल्ड लेबर बनने के लिए। फिर दूसरा एक बच्चा यहाँ पर बताता है कि किस तरीके से उसे उसके ट्रेनिंग दी जा रही है, यहाँ पर चाइल्ड सोल्जर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, और उस ट्रेनिंग में उसे फोर्स किया जा रहा है अपने फ्रेंड्स को और अपने फैमिली को मारने के लिए। मेरा फॉल्ट क्या है, ऐसा एक बच्चा यहाँ पर पूछता है। और राइटर कहते हैं कि वो सारे रिलीजन्स हमें हमारे सिखाते हैं कि हमें बच्चों को अच्छा बनाना है, बच्चों की केयर करनी है, और जितने भी जैसे जीसस क्राइस्ट है या कुरान है, वो सभी हमें बताते हैं कि हमेशा हमें बच्चों को अच्छे से रखना है, बच्चों को तकलीफ़ें ना हो इसकी तरफ ध्यान देना है। राइटर आगे कहते हैं कि ऐसे जितने भी मॉस्क है, जितने भी टेंपल है, चर्चेस है या फिर प्रेयर हाउस है, जहाँ पर बच्चों के सपने पूरे करने के लिए जगह नहीं है, उन सभी चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ करता हूँ। मुझे ऐसी कोई भी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं है जिसमें बच्चों के लिए सोचा ना जाए। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज़ सो पुअर। मैं ये बात भी एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारा वर्ल्ड बहुत गरीब है, बहुत पुअर है। वेन जस्ट वन वीक ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर कैन ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रेन टू क्लासरूम। एक हफ्ते का जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, उतने में ही हम हमारे वर्ल्ड के पूरे बच्चों को क्लासरूम दे सकते हैं, उन पूरे बच्चों को पढ़ाई का खर्चा हम कर सकते हैं। I refuse to accept that all the laws and constitutions, police and judges are unable to protect our children. मैं ये भी बात एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ करता हूँ। मैं उन अपने कायदों को रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्यूज़ करता हूँ, और मैं उस पुलिस को भी और उन जजेस को भी यहाँ पर रिफ्यूज़ करता हूँ जो यहाँ पर बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए अनेबल है, जो कहते हैं कि हम बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट द शैकल्स ऑफ स्लेवरी कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर दैन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम। मैं ये बात एक्सेप्ट करने से भी रिफ्यूज़ करता हूँ कि गुलामगिरी के जो बंधन है, वो बंधन इतने मजबूत है, इतने स्ट्रांग है कि फ्रीडम की जो चाहत है हमारे मन में, बच्चों के मन में जो फ्रीडम की चाहत है, उनकी उस चाहत से भी गुलामगिरी के जो बंधन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये बात भी एक्सेप्ट करने से मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हियर, यहाँ पर कुछ बातें हैं जिन्हें मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ करता हूँ। माई ओनली एम इन लाइफ इज़ दैट एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू बी अ चाइल्ड। मेरा लाइफ में सिर्फ एक ही एम है कि जो भी बच्चे हैं, जो भी चाइल्ड है, वो एक फ्री चाइल्ड होना चाहिए, फ्री टू ग्रो एंड डेवलप। हर एक बच्चे को अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने की फ्रीडम होनी चाहिए, फ्री टू ईट स्लीप एंड सी डे लाइट। हर एक बच्चे को खाने की फ्रीडम होनी चाहिए, उसे सोने की फ्रीडम होनी चाहिए, और उसे पूरी दुनिया को एंजॉय करने की भी फ्रीडम होनी चाहिए, फ्री टू लाफ एंड क्राई, उसे हंसने की और रोने की भी फ्रीडम होनी चाहिए, फ्री टू प्ले एंड लर्न, उसे सीखना भी चाहिए और उसे खेलना भी चाहिए, फ्री टू गो टू स्कूल एंड अबोव ऑल, उसे स्कूल जाने की भी फ्रीडम होनी चाहिए और सब कुछ करने की, जो वो करना चाहता है वो सभी बातें करने की उसे फ्रीडम होनी चाहिए, फ्री टू ड्रीम, उसे सपने भी देखने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विथ मेनी करेजियस पीपल हु हैव द सेम एम। मुझे ऐसे करेजियस लोगों के साथ में काम करने का बहुत बार मौका मिला है, जो लोग ऐसा सेम एम रखते हैं, यानी कि जिस तरीके से मैं यहाँ पर बच्चों को चाइल्ड लेबर बनाने से फ्री करना चाहता हूँ, वैसे ही काम करने वाले बहुत सारे करेजियस लोगों के साथ में मैंने काम किया है।
वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट एनी थ्रेट और अटैक एंड वी नेवर विल। हमने आज तक भी जब ये काम किया है तब ये काम करते वक्त हमने किसी भी चीज़ से हम नहीं घबराए, किसी की धमकी से या कोई भी अटैक अगर हमारे ऊपर किया गया तो उसकी वजह से हमने अपना काम करना बंद नहीं किया और आगे भी फ्यूचर में भी हम अपना ये काम बंद नहीं करेंगे। वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स यानी कि पिछले 20 ईयर्स में हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन बाय हाफ। हमने जितने भी बच्चे थे उसमें से आधे बच्चे, हाफ बच्चे जो है उनको उनके चाइल्ड लेबर बनने से उन्हें रोका है। वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स बाय अ थर्ड। हमने थर्ड 1/3% से हमने चाइल्ड लेबर बच्चे जो है उनका प्रमाण, उनका नंबर कम कर दिया है। वी हैव रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड माल न्यूट्रिशन। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर चाइल्ड मॉर्टेलिटी को भी कम कर दिया है, माल न्यूट्रिशन जो है उसे भी हमने कम किया है। एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स। और बहुत सारे हमने मिलियंस ऑफ बच्चों की डेथ होने से भी हमने रोका है। बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन। लेकिन यहाँ पर हमारे सभी प्रॉब्लम ख़त्म होते हैं ऐसा मत समझना, ऐसी समझने की मिस्टेक मत करना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज़ फियर एंड इनटॉलरेंस। सबसे बड़े चैलेंजेस जो यहाँ पर ह्यूमन काइंड के लिए है, जो यहाँ पर दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं, और सबसे बड़े बिगेस्ट क्राइसिस यानी सबसे बड़े जो प्रॉब्लम ह्यूमन बींग्स के लिए बनने जा रहे हैं वो है डर और इनटॉलरेंस और असहिष्णुता। वी हैव अटरली फेल्ड अवर चिल्ड्रेन इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन। हम हमारे बच्चों को एजुकेशन लेने के लिए यहाँ पर फेल हो रहे हैं। एन एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। हम हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं लेकिन सिर्फ यही एजुकेशन उनके लिए सफिशियंट नहीं है। जो एजुकेशन हमें उनके लाइफ के लिए देना चाहिए, जो उनके लाइफ के लिए सही है, उनके जीवन के लिए सही है, ऐसा एजुकेशन हम उन्हें देने के लिए फेल हो रहे हैं। एक ऐसा एजुकेशन जो उनके लाइफ को एक मीनिंग देगा, जो उनके लाइफ को एक ऑब्जेक्टिव, जो उनके लाइफ को एक एम देगा, ऐसा एजुकेशन हम उन्हें देने में फेल हो रहे हैं। एन एजुकेशन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ। एक ऐसा एजुकेशन हमें उन्हें देना है जो यहाँ पर ग्लोबल सिटीजनशिप उन बच्चों में, उन यूथ में लाना चाहिए। आई एम अफ्रेड दैट द डे इज़ नॉट वेरी फार अवे व्हेन द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ दिस फेल्यूर विल क्यूमिनेट इन एन अनप्रिटेंडेड वायलेंस एंड दैट विल बी सुसाइडल फॉर ह्यूमन काइंड। मुझे एक डर यहाँ पे लग रहा है कि वो दिन अब दूर नहीं है कि जब किसी बात में फेल्यूर होने का रिजल्ट यहाँ पर हमारे हाथ में आएगा और तब अनप्रिटेंडेड वायलेंस यहाँ पर तैयार होगा और उसके बाद में ह्यूमन काइंड के लिए सुसाइडल ये बात होगी कि हम यहाँ पर बच्चों को वो नॉलेज देने के लिए अनसक्सेसफुल रहे हैं। राइट्स, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन। अधिकार जो है, सुरक्षितता है या होप जो है, इन सभी बातों को एजुकेशन के थ्रू ही रिस्टोर किया जा सकता है। यंग पीपल लाइक मलाला, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला। यंग पीपल जैसे मलाला जैसे यंग पीपल है, मैं उसे माई डॉटर मलाला कहता हूँ। जस्ट मलाला उसे मैं सिर्फ मलाला नहीं, माई डॉटर मलाला कहता हूँ। सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कायनात, इन फैक्ट टू कायनात्स एंड शाजिया एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका। अब मलाला के अलावा भी जो मेरे बाकी के सभी डॉटर्स है, जैसे कि कायनात, बाकी के दो कायनात्स में के जितने भी डॉटर्स है, शाहिजा,
शाजिया और अफ्रीका से जो मेरी डॉटर है एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और पूरी दुनिया से भी जितने भी मेरे डॉटर्स है दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस। ये क्या कर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। वो जहाँ पर उनके साथ में कोई यहाँ पर अत्याचार किया जा रहा है तो उस अत्याचार का जवाब वो दे रहे हैं, और वो जहाँ पर वायलेंस है उस वायलेंस की जगह पे वो पीस यहाँ पर चूज कर रहे हैं। टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिस्ट, जहाँ पर अन्याय किया जा रहा है वहाँ पर वो टॉलरेंस कर रहे हैं। एंड करेज ओवर फियर, और जहाँ पर उन्हें डर लग रहा है उस डर की जगह अब उनके करेज ने ले ली है। द सोल्यूशंस आर इमर्जिंग, सोल्यूशंस जो है वो आ रहे हैं, सोल्यूशंस हमें मिल रहे हैं, बट दिस सोल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड इन द डेलिब्रेशन इन कॉन्फ्रेंसेस अलोन एंड कैन नॉट बी फाउंड इन प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम अ डिस्टेंस। लेकिन ये जो सोल्यूशंस है ये सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस में जो डेलिब्रेशन होता है वहाँ पर नहीं मिलते हैं, और ये सोल्यूशंस सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन से भी नहीं मिलते हैं। दे लाई इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। तो ये जो सोल्यूशंस है ये सोल्यूशंस किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस स्मॉल ग्रुप से हम उसे हासिल कर सकते हैं, या लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन लोकल ऑर्गेनाइजेशन से ये सोल्यूशंस हमें मिल सकते हैं, या फिर इंडिविजुअली भी हम इन सोल्यूशंस को यहाँ पर पा सकते हैं। हु आर कन्फ्रंटिंग विद द प्रॉब्लम एवरी डे। अब ये कौन से ग्रुप से, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से, या कौन से इंडिविजुअल से ये सोल्यूशन हमें मिल सकते हैं, तो जो लोग अपने रोज़ाना के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जो अपने डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर सोल्यूशंस मिलते हैं। इवन इफ दे रिमेन अनएक्नॉलेज अनरिकग्नाइज एंड अननोन टू द वर्ल्ड द सोल्यूशन आर विद देम। अगर उन लोगों को पूरी दुनिया जानती भी नहीं है, वो पूरी दुनिया से अननोन है, अनरिकग्नाइज है या अनएक्नॉलेज है, तो भी ये सॉल्यूशंस, ये जो आंसर्स है उनके पास है। वी विल सी द सेकंड पार्ट इन अवर नेक्स्ट पीरियड।